हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 3 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लूपिंग का लास्ट टॉपिक है मेरा डू व्हाइल लूप। ये लूपिंग का लास्ट है, ठीक है, मॉड्यूल 3 का लास्ट नहीं है। मॉड्यूल 3 में भी 3-4 टॉपिक और बचा है, वो डिस्कस कर लेंगे, तो मॉड्यूल 3 भी मेरा रफा दफा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है मेरा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप कहने का मतलब क्या, डू मतलब करना होता है, डू मतलब इंग्लिश में डू हिंदी में क्या बोलते हैं, करना, और वाइल मतलब जब तक। ठीक है, डू वाइल पहले काम करो जब तक, ठीक है। तो यहाँ पे बस रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये लूप में कैसा होगा, ये सिमिलर है वाइल लूप जैसा। वाइल में क्या होता था, हम कंडीशन चेक करते थे, कंडीशन सही है तो अपना काम शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले काम करवाएंगे उसके बाद उसको पैसा देंगे, नहीं, पहले काम करवाएंगे उसके बाद कंडीशन चेक करेगा ये काम हो रहा है कि नहीं, मतलब जो कंडीशन हमको दिए वो काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जैसा कि बताए थे आपको, डू व्हाइल लूप हमारा क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप कहने का मतलब क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब पहले हमारा एग्जिट को कंट्रोल करेगा, ये एंट्री को कंट्रोल नहीं करेगा, ये मेरा एग्जिट को मतलब कब बाहर निकलना है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप है। और इसमें हम बताए थे व्हाइल लूप का यूज कब करें, डू व्हाइल लूप का यूज हम कब करते हैं, डू व्हाइल लूप का हम यूज तब करते हैं जब हमको कम से कम एक बार हमारा प्रोग्राम चलना ही चाहिए, तब हम करेंगे डू व्हाइल का लूप। ठीक है, और व्हाइल का लूप कब करते थे, व्हाइल का लूप हम जब तक करते थे जब हमको कंडीशनें मालूम नहीं है कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक चल के रुकना है, तब वहाँ पे हम व्हाइल का यूज करते थे। और जहाँ तक मान लेते हैं हमको कम से कम एक बार चलना ही है, बाद में पता नहीं, बाद में कंडीशन चेक होगा तो अगर ट्रू है तो चलेगा, नहीं है ट्रू नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार चलना ही चाहिए, तो हम करेंगे डू व्हाइल का लूप यूज़ का। ठीक है, उसका यूज करेंगे। तो आते हैं इसके बारे में कुछ इंग्लिश लिखा गया है, तो इंग्लिश बक देते हैं क्या लिखा हुआ है। ए डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप जैसा ही है। ठीक है, एक्सेप्ट अ कंडीशन, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। क्या बोला जा रहा है, वही बोला जा रहा है जो लिखा गया है। व्हाइल लूप में क्या होता था, जैसा कि हम पहले थी बता दिए, दो तीन मिनट क्या ही है, बके थे वही में बता दिए थे। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, डू व्हाइल जो है ना हमेशा सिमिलर है व्हाइल लूप में। व्हाइल में क्या करते थे, व्हाइल में कंडीशन चेक होता था, लेकिन यहाँ पे डू व्हाइल में है, यहाँ पे क्या है, मेरा कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, जब बॉडी हमारा एग्जीक्यूट कर जा रहा है तब हमारा कंडीशन चेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन व्हाइल में क्या होता था, व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता था, बस यही एक डिफरेंस है, और कुछ नहीं डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो वही लिखा गया है, रियल का एग्जाम्पल रियल करेंगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है टू रन द बॉडी कंटिन्यूअसली अंटिल आर रिक्वायर्ड कंडीशन इज फुल इज लूपिंग। ये सब वीडियो में बताए हैं, लूपिंग के सब वीडियो में बताए हैं, जब तक हमारा कंडीशन एक नहीं ट्रू हो जाता है तब तक वो रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता, तो चलते रहे उसको हम लूपिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया है इट इज़ यूज टू परफॉर्म लूपिंग ऑपरेशन वेन द कंडीशन विल बी फॉल्स देन एग्जीक्यूट ऑफ द लूप विल बी स्टॉप। ठीक है, जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है इट बॉडी विल एग्जीक्यूट अंटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा इसका बॉडी चलते रहेगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हमारा बात सुनिए, एक तरफ वाइल है एक तरफ डू वाइल है। वाइल का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कंडीशन मालूम नहीं है रुकना कहाँ है, डू वाइल का यूज रहा करते हैं जहाँ हमारा कम से कम एक और प्रोग्राम चलना ही चाहिए वो हम डू वाइल का यूज करते हैं। डू व्हाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, जबकि हमारा व्हाइल है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप उसे कहते हैं जैसे हमारा कंडीशन पहले चेक होगा उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगा उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप उसको बोलते हैं जब हमारा बॉडी पहले चल जाए उसके बाद हमारा कंडीशन चेक हो उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, रिविजन करवा दिया, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अब आते हैं इसका सिंटैक्स में हम व्हाइल का भी सिंटैक्स लेंगे बस रिलेट करने के लिए। व्हाइल का भी ले लेते हैं। वाइल में क्या करते थे, पहले लिखते थे ऊपर में तो इनिशियलाइज होवे करता था। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, वाइल लेते थे, कंडीशन लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, बॉडी चलाते थे और यहाँ पे अपडेट करते थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इनिशियलाइज तो पहले कर दिए, इनिशियलाइज शुरू में हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे डू, इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिखना है डू। डू के बाद हम वो कर्ली ब्रेसेस देना है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस दिए, उसके अंदर में को जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट दे दिए, उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट मतलब हमारा बॉडी बढ़ते क्रम में जाएगा या फिर घटते क्रम में, मतलब इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, वाइल में क्या करते थे, पहले इनिशियलाइज करते थे, बॉडी देते थे, मतलब कंडीशन पहले देते थे, इसलिए मेरा ये एंट्री कंट्रोल लूप है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कंडीशन कहाँ हो रहा है, सबसे नीचे जब हमारा पूरा बॉडी चल जा रहा है उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है, तो ये मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है, मतलब बाहर कब निकलना है वो चेक करता है ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तो आते हैं इसके सिंटैक्स पे।
पहले इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज मतलब कोई वैल्यू से इसको दे देंगे, जहाँ से शुरू करना है वो वैल्यू देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डू लिखेंगे, इंग्लिश वाला डू, डू डू मतलब करना होता है, तो यहाँ पर भी करना है, डू मतलब करो, ये कौन काम करो, ये करली ब्रैकेट में लिखा है वो काम करो, कौन काम करना है स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे वो काम करेगा। काम करने के बाद क्या होगा, अपडेट पे आएगा, अपडेट मतलब इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है, ठीक है, वो करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम मान लीजिए कुछ कंडीशन फॉल्स हो देंगे, कंडीशन फॉल्स भी होगा तो मिनिमम एक बार मेरा लूप चलेगा ही चलेगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन तो लास्ट में चेक हो रहा है ना, जब एक बार हमारा लूप चल जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा, तो मिनिमम एक बार चलेगा ही चलेगा, फॉल्स भी कंडीशन है फिर भी मिनिमम एक बार चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल वही लेंगे जैसे सब लूप में लेते थे, एक से लेकर 10 तक प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, तब रिलेट कर पाएंगे जी कौन लूप में हम कैसे करते थे, इस लूप में कैसे करेंगे। तो वही हम एग्जाम्पल लेते हैं एक से 10 तक प्रिंट करने वाला, यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है, डू वाइल लूप, सब इंग्लिश के छोटा छोटा लेटर लिखना है, बड़ा बड़ा बात नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उड़ के लात मारेगा और मुँह भरे गिराएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही है, क्या है, वही है, क्या है, वही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये मेरा आउटपुट पे आना चाहिए प्रिंट होके, एक से लेकर 10 तक, ठीक है। तो एक मेथड क्या है, एक मेथड वही अपना घिसा पिटा मीटर है, प्रिंट एफ वन, प्रिंट एफ टू, प्रिंट एफ थ्री, ऐसे लिखिए, अपना काम करिए, ठीक है। तो वो तो बहुत लंबा मेथड है, 10 लाइन तो इसीलिए रहता है, 4 लाइन ले लेगा मेरा, डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंटमैन, घिसा पिटा तरीका जो हमेशा लिखते हैं वही लिख दिए हैं, ठीक है, इतना में कोई टॉप चीज़ लिखा नहीं है, दो चीज़ लिखे हैं जो हमेशा लिखते हैं, कली वैसे दे दिए। उसके बाद क्या है मेरा, चंद सिंटैक्स है, सिंटैक्स मेरा क्या है, इनिशियलाइजेशन, तो क्या करना है हमको, यहाँ पे आप आना है, आउटपुट में हमको क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए हमको एक से लेकर 10 तक चाहिए, तो हमको इनिशियलाइज कहाँ से करना पड़ेगा, वन से। तो हम इनिशियलाइज करते हैं क्या चाहिए, कौन सा टाइप है डाटा टाइप, इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक लेंगे वेरिएबल ए मान लेते हैं, इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वन से इनिशियलाइज कर दिया इसको, क्यों किए, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए वन से लेके 10 तक चाहिए, इसलिए वन से किए, अगर जीरो से चाहिए था तो जीरो करते, 10 से चाहिए था 10 करते, ठीक है, जहाँ से हमको शुरुआत करना है वहाँ वाला दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लिखेंगे डू, तो लिखते हैं डू, डू लिख दिए इंग्लिश वाला डू, उसके बाद कर्ली ब्रैसेस, कर्ली ब्रैसेस दे दिए। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करवाना है ना एक का वैल्यू, तो एक का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ क्या करना है, एक का वैल्यू प्रिंट कराना है, परसेंट डी ए प्रिंट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपडेशन, अपडेशन क्या करना है, हमारा एक का वैल्यू वन तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, अब ए को अपडेट भी करना है ना, अब कितना से अपडेट करना है, वन से, वन के बाद टू आना है, टू के बाद थ्री आना है, तो अपडेट करेंगे हम वन से अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम ए प्लस प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर a प्लस वन, इसलिए इसको कमेंट में लिख दिया ताकि लग सके जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देने के बाद क्या है, अपना कर्ली ब्रैसेस बंद करेंगे, तो कर्ली ब्रैसेस बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या है, लिखना है while लिखना है, तो while लिखते हैं, जैसा सिंटैक्स में बताया गया वैसा ही लिखते जा रहे हैं, while लिखें, while के अंदर में आप कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन में क्या देंगे, कंडीशन में वहाँ तक देंगे जहाँ तक हमको चलने के बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कहाँ तक जाने के बाद रुक जाना चाहिए, ए का वैल्यू जब 10 हो जाए तभी रुकना चाहिए, ए का वैल्यू जब प्रिंट होते होते 10 हो जाए तब ना रुकना चाहिए, तो यहाँ क्या देंगे, ए लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगता है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, नहीं तो इधर आएगा, ठीक है, सेमी कॉलन भूलना मत है। अब यहाँ पे हो गया ये मेरा क्या, यहाँ पे कंडीशन समझ में आया, कंडीशन क्या है दिए, क्योंकि मेरा ए का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हम कंडीशन नहीं देंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू बढ़ते 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 इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमेशा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो 10 तक यहाँ पे ए लेस देन 10 क्यों दिए, पता चला ए का वैल्यू मेरा 10 तक प्रिंट हो जाने के बाद रुक जाना चाहिए, इसलिए ए का क्या 10 या 10 से कम तक दे दिए वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल का था काम हो गया, उसके बाद क्या करना है, मेरा ये वाला लूप 10 तक प्रिंट करके दे देगा, प्रोग्राम खत्म है, तो रिटर्न जीरो कर दीजिए, रिटर्न जीरो, कर्ली ब्रैसेस बंद, ठीक है। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो ड्राई रन की ओर चलते हैं, ड्राई रन में चलते हैं, ड्राई रन में चलते हैं, ए वेरिएबल बनाए हैं तो एक डब्बा बना दीजिए, नाम ए वैल्यू वन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, डू, डू मतलब करो, क्या करो, इसके अंदर में जो लिखा है वो काम करो, क्या काम लिखा है, प्रिंट एफ परसेंट डी ए, ए को प्रिंट करना है, तो ए को प्रिंट करना है, तो ए का वैल्यू अभी कौन है, वन है, तो वन को प्रिंट कर दो, तो वन को प्रिंट कर दिए, ठीक है।
वन प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, ए का प्लस प्लस वैल्यू करो, ए का जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ए का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, टू, टू हो गया, बढ़ के टू हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ कंडीशन पे आया, यहाँ पे इसका फ्लो ऐसे चलेगा, पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट चलेगा, स्टेटमेंट चलने के बाद क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक होने के बाद फिर से मेरा स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है, ऐसे मेरा फ्लो चलेगा इसका। तो क्या हुआ, ये वाला चल गया, स्टेटमेंट चल गया, स्टेटमेंट के बाद कहाँ आया, स्टेटमेंट के बाद मेरा आया अपडेशन पे, अपडेशन पे वाला हो गया, वैल्यू दो हो गया, दो होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अब क्या, ए का वैल्यू अब क्या हो गया, दो हो गया, तो दो लेस देन इक्वल टू दस, देखिएगा यहाँ वन के लिए हमारा चेक ही नहीं हुआ, मतलब मिनिमम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अब यहाँ पे दो लेस देन दस, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो कहाँ जाएगा, फिर से स्टेटमेंट पे जाएगा। अब यहाँ फिर से प्रिंट करेगा क्या, ए का वैल्यू अब करेगा प्रिंट दो, दो प्रिंट कर दिया, ए का वैल्यू अपडेट हो गया क्या हो जाएगा, तीन, यहाँ पे तीन हो गया, तीन हो गया, तो अब यहाँ तीन के लिए चेक होगा, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे तीन भी प्रिंट कर देगा, वैसे ही चलते 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 मेरा ये दस तक प्रिंट कर देगा। हम मान लेते हैं दस हो गया, दस हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, दस प्रिंट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ग्यारह हो जाएगा वैल्यू, ग्यारह होगा तो ग्यारह लेस देन दस, कंडीशन ट्रू, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो मेरा ये वैल्यू बाहर निकल जाएगा, रिटर्न जीरो करके मेरा प्रोग्राम को रफा दफा कर देगा, ठीक है। तो ये कितना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ तो ये सिंटैक्स याद रखेगा, पहले हम इनिशियलाइज कर देंगे, डू लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, अपडेट कर देंगे, कंडीशन देखेंगे, ठीक है। व्हाइल डू व्हाइल लूप का ये है बेनिफिट, ये कम से कम ये एक बार चलेगा ही चलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कंडीशन कहाँ है, वन के लिए चेक ही नहीं हो रहा है, डायरेक्ट टू के लिए चेक हो रहा है, अगर कंडीशन टू के लिए ट्रू होगा तो चलेगा, नहीं हो तो ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल डू व्हाइल लूप के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। डू व्हाइल लूप में होता है यहाँ पे खत्म, मैंने फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा, अब इसके बाद बच जाता है कंटिन्यू, ब्रेक, ये सब का थोड़ा हल्का लगा यूज़, तो वो सब भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा मॉड्यूल थ्री भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे अगले मॉड्यूल पे, ठीक है। अगला मॉड्यूल का वेट करिए, आते हैं तब तक दूसरे वीडियो पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड ऑल द बेस्ट।